और इधर बिहार में डेंगू का डंक जानलेवा होता जा रहा है। पटना से लेकर सिवान, गोपालगंज से लेकर अररिया तक डेंगू के कई संगीन मामले सामने आ रहे हैं। अकेले पटना में पिछले एक दिन में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ गए। सोमवार को पटना में एक और डेंगू मरीज की जान चली गई। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य के अन्य अस्पतालों में भी डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 80 पॉजिटिव मरीज मिले। सिवान में भी डेंगू के 21 मरीज मिल चुके हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। मुंगेर में डेंगू के 6 मरीज का इलाज जारी है और बिहार में 15 दिन में डेंगू के 215% केस बढ़ चुके हैं। डेंगू का ये कहर थमने वाला नहीं है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि इस बार डेंगू जरा सी लापरवाही पर जान तक ले रहा है। और पूरे देश में हर साल मानसून में डेंगू का प्रकोप देखने को मिलता है। कई शहरों में डेंगू के डराने वाले मामले सामने आते हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। पिछले कई सालों से डेंगू के डंक से जूझने के बाद एक अच्छी खबर सामने आ गई है। भारत ने इससे निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम डेंगी ऑल है। कमाल की बात तो ये है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ICMR और पैनिसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत की स्वदेशी टेट्रावालेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल पैनिसिया बायोटेक की तरफ से बनाई गई है और इस ट्रायल में टेस्ट के लिए शामिल पहले व्यक्ति को 11 अगस्त पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में वैक्सीन लगाई गई। तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 साइटों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10,335 से भी अधिक लोग शामिल होंगे। तो ये वैक्सीन अगर कारगर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रभावशाली होगी। और बिहार में डेंगू का प्रकोप लोगों को डराने लगा है। हम आपको पटना के NMCH अस्पताल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां डेंगू के मरीज भर्ती हैं और इनका इलाज भी जारी है। पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और बिहार के कई जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। राजधानी पटना में भी पिछले 24 घंटों की बात करें तो 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज थे जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और इस वक्त हम NMCH की तस्वीर दिखा रहे हैं। डेंगू वार्ड बनाया गया है और इस डेंगू वार्ड में भी कुछ मरीज डेंगू के भर्ती हैं और लगभग 100 से ज़्यादा मरीजों की संख्या बताई जा रही है राजधानी पटना में। और इसके लिए अलग अलग अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जहाँ पर मरीजों को रखा जा रहा है और प्रिकॉशन का ही पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस वार्ड में किसी को आने जाने की मनाही है। साथ ही राज्य के अन्य अस्पताल भी हैं जहाँ पे डेंगू के मरीज है, उनके लिए भी वार्ड बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से जो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, उसकी कोशिश है कि डेंगू के मरीजों को उचित समय पर भर्ती कराया जाए ताकि उनका सही से इलाज हो सके। लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है और लोग भी परेशान हैं और लगातार डेंगू से बचने की कोशिश सरकार की तरफ से बताई जा रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि डेंगू से बचाव के जो भी साधन हो सकते हैं उसका उपयोग में लाए। और सरकार की भी कोशिश है कि डेंगू के मरीजों की संख्या घटे, इसके लिए उचित इलाज समय पर किया जाए। तो इस वक्त हम आपको NMCH की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर डेंगू वार्ड बना है, जहां पर कई मरीज भर्ती हैं और उनका सही तरीके से इलाज चल रहा है और सरकार भी अलर्ट मोड में है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो राजधानी पटना की तस्वीर आपने देखी। अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्था डेंगू मरीजों के लिए की गई है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों की वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बढ़ते आगे दरभंगा की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, जहां दरभंगा में भी डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह पर DMCH में मेडिसिन वार्ड में डेंगू स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां इस महीने 6 महीने तक मरीज भर्ती रहे और अभी भी 2 मरीज का इलाज लगातार जारी है। जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि अभी हम दरभंगा के DMCH के मेडिसिन परिसर में हैं और यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि डेंगू वार्ड का ये स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां पर 10-10 बेड के 10 बेड नीचे और 10 बेड ऊपर 20 बेड की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये उत्तर बिहार के DMCH
में मरीज आते हैं, जहां अभी भी दो मरीज ऐसे भर्ती हैं जो एक मुंबई के हैं, समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और मुंबई में इन्हें डेंगू हुआ था, और दूसरा जो है वो भी दरभंगा के ही है लेकिन धनबाद से यहाँ पर आए और उनको डेंगू हुआ है। दोनों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। अभी तक 6 मरीज आए हुए हैं, जो 4 छुट्टी में चले गए हैं और 2 है प्रेजेंट में। ये लोग कहाँ से आए हैं? एक दरभंगा से, एक समस्तीपुर में, दोनों का स्थिति बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं? ठीक है, अभी ठीक है। हम दरभंगा ही से, दरभंगा से हैं। रहते कहाँ? जी, क्या हुआ था? मतलब आए थे, उल्टी बुखार स्टार्ट हो गया जी, 1 सप्ताह पहले। हमारे साथ डेंगू के मरीज हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ डीएमसीएच जो स्पेशल वार्ड है यहाँ पर उनकी देखरेख भी सही हो रही है। और बता दें कि अभी 2 मरीज डेंगू के यहाँ पे भर्ती हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18, दरभंगा। तो डेंगू से लोगों की परेशानी की तस्वीर आपने देख ली, और लोग परेशान तो जरूर है लेकिन इससे बचाव के भी कुछ उपाय हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके आसपास या आपके घर के लोग अगर डेंगू से पीड़ित हो जाएं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले डेंगू के रोगी को दिन में भी मच्छरदानी में रहना होगा, ताकि मच्छर अगर उसे काट भी लेता है तो वो मच्छर किसी और को जाकर संक्रमित ना करे, किसी और को डेंगू का बुखार ना हो जाए। सबसे पहले बुखार के समय पानी, नारियल पानी, शिकंजी और तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना है। जितनी ज्यादा मात्रा में आप तरल पदार्थ लेंगे उतनी तेजी से आपकी रिकवरी होगी। तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे एवं मांसपेशियों में दर्द और थकान होने पर सबसे पहले जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप भी डेंगू के मच्छर के काटने से पीड़ित तो नहीं हो गए। डेंगू का मच्छर ना पनपे इसके लिए सबसे ज्यादा एहतियातन ये जरूरी है कि घर के आसपास आप पानी नहीं जमा होने दें। घर में अगर आपके कूलर है तो कूलर का पानी आप हर दिन बदलें। बरसात के दिनों में कूलर में भरा हुआ पानी अगर आप नहीं बदलते हैं तो उसमें भी कीड़े मकोड़े, मच्छर इस तरह के पनपते हैं, जिसकी वजह से आप भी डेंगू से पीड़ित हो सकते हैं। दिन में भी पूरे बाजू वाले यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े आपको पहनने हैं, ताकि मच्छर से आप बच सके। मच्छर से बचने के लिए कॉइल का प्रयोग करें। बहुत सारे मार्केट में कॉइल आते हैं जो मच्छर को मारने के लिए जलाए जाते हैं, उन कॉइल्स का आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधों के आसपास कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ना जाएं, और अगर जाएं भी तो शरीर को ढक कर रखें। इसके अलावा स्वस्थ खान पान वाली जीवन शैली को आपको अपनाना है, साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप अच्छी बनाते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं, तो इससे भी आप बीमारियों को पनपने से रोक सकते हैं। तो डेंगू के लिए आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है।